हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक एंड ट्रैवल विद संप्रीत। हैप्पी छोटी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आई नो सब बहुत एक्साइटेड होंगी इस फेस्टिवल सीजन में। दिवाली आ रही है और दिवाली हो और हम कुछ मीठा ना बनाएं, ये तो हो नहीं सकता। तो आज जो मैं आपको रेसिपी बताने वाली हूँ वो है कोकोनट की बर्फ़ी। मेरे घर में हम लोग ये कोकोनट की बर्फ़ी पिछले 7-8 साल से बना रहे हैं और ये बहुत हिट जाती है। जो भी आता है गेस्ट बहुत खुश होकर खाता है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करना और अगर अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना और आधा घंटा तो निकाल ही लेना, क्योंकि ये बहुत डिलीशियस बनेगी और बिल्कुल फ्रेश और घर की होगी। तो आपको ये भी पता है कि इसका कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होगा। और इस वीडियो के अलावा मैं एक और वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ आज, क्योंकि आज छोटी दिवाली है तो एक बोनस तो बनता है ना। तो चलिए फिलहाल इस रेसिपी को देखते हैं। हम बस चार चीज़ें यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है ये नारियल का बुरादा, फिर ये नारियल, चीनी और ये दूध। अब मैं आपको नारियल को ग्रेट करके मिलती हूँ। हमारा नारियल हो गया ग्रेट, तो मैं आपको बता देती हूँ हम कितने कितने क्वांटिटी ले रहे हैं। ये है 150 जो नारियल था हमारा। ये बुरादा जो लिया है ये भी 150 ग्राम है, ये आपको मार्केट से आसान से मिल जाएगा। ये है चीनी, चीनी मैंने ली है 200 ग्राम। ये आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लीजिए। ये मैंने लिया है 250 ml मिल्क। यहाँ पे मैं एक टेबलस्पून ले रही हूँ घर का देसी घी, आप चाहें तो बाहर वाला भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे ले रहे हैं कढ़ाई और उसमें ये जो कद्दूकस किया हुआ हमारा फ्रेश नारियल था वो मैंने डाल दिया। उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे जो ये बुरादा था, इन्हें अच्छे से मिला ले। हम बीच में नारियल को हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे चिपके ना, क्योंकि ये जो बुरादा है वो बहुत महीन होता है और ये जल्दी नीचे लग सकता है, तो हम करछी चलाते रहेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हमारी ये चीनी। चीनी आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर पिसी हुई चीनी यूज़ नहीं करी है, इसलिए हमें अच्छे से इसको मिलाना है और इतना भी नहीं मिला देना है कि वो कैरेमल बन जाए। उससे पहले ही हम इसमें दूध डाल देंगे, तो पहले थोड़ी सी इस चीनी को हम मेल्ट होने देंगे। हमारी ये जो चीनी है वो थोड़ी सी पिघलने लगी है, तो हम जो गैस है उसको सिम करके ही अब पकाएंगे। अब हम इसमें मिलाने वाले हैं दूध। दूध डालने के बाद आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अब हमें ये दूध सुखाना है और जब ये दूध सूख जाएगा तो ये जो नारियल है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो दूध है वो सूखने लगा है और जो हमारे नारियल है वो इकट्ठा होना शुरू हो गया। अभी हमें इसको और थोड़ी देर पकाना है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे घी। बट अभी इसको अच्छे से मिला ले और ये सब हम धीमी आंच पे ही करेंगे। जस्ट टू गिव अ नाइस फ्लेवर मैंने यहाँ पे जो ये इलायची होती है छोटी इलायची उसको पीस के मैंने इसमें डाल दिया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हमारी बर्फ़ी में। अगर आपको ये फ्लेवर पसंद है इलायची का तो आप ज़रूर डालना, अगर नहीं तो मत डालना। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डाल दिया इसमें घी, अच्छे से मिला ले। जैसे कि आप देख रहे हैं जो ये हमारी बर्फ़ी है ये बिल्कुल जुड़ने लगी है। ये बिल्कुल सही टाइम है जब हम गैस ऑफ कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक कांच की ट्रे ली है और उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है हमारे देसी घी से, ताकि जो ये हमारी बर्फ़ी का बैटर है वो नीचे चिपके नहीं। उसके बाद हम ये जो सारा जो हमारी बर्फ़ी है उसको इस कंटेनर में शिफ्ट कर देंगे और अच्छे से इक्वल कर लेंगे। मैंने बर्फ़ी को अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लिया है। अब इसको हम रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। लास्ट में हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे। अब मैंने इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दिया ताकि इसकी लुक अच्छी आए। तो यही होती है मेरी ये रेसिपी ख़त्म। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपने ये ट्राई करी या नहीं करी। थैंक यू।